बेशक इंडिया अपनी हाइड्रो पावर कैपेसिटी को पिछले 70 सालों में सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर चुका है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जितनी ज़रूरी एनर्जी नीड है, उतना ही ज़रूरी ये है कि वो एनर्जी वास्तव में कितनी सस्टेनेबल तरीके से बनाई जा रही है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन में ह्यूमन पॉपुलेशन को कोई इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना मिले और उन्हें कोलेट्रल डैमेज की तरह ना देखा जाए। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कुछ हज़ार लोग सेक्रीफाइस कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि इस तरह का कोई भी आइडिया है तो वो एथिकली और मोरली सही नहीं है। लेकिन ऐसा करीब करीब दुनिया भर के हर एनर्जी प्रोजेक्ट में होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एक्सेट्रा जैसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। आज का वीडियो इसी तरह के एक एनर्जी प्रोजेक्ट पर है जो हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये है भाखड़ा और नागल डैम की कहानी। इन डैम्स ने अनडाउटली इंडिया को एनर्जी दी है, लेकिन उतनी ही मात्रा में लोगों को डिस्प्लेस किया है। और क्योंकि इन दोनों में भाखड़ा डैम बहुत बड़ा डैम है, इससे रुके हुए पानी के कारण डूबा क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि डैम के रिजर्वायर में पानी कम होने पर एक पूरा का पूरा शहर नजर आता है। ये अवशेष हैं हिमाचल प्रदेश में एक वक्त पर फल फूल रहे शहर बिलासपुर के। अब उसे ओल्ड बिलासपुर कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में इन डैम्स के प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, इससे होने वाले फायदे और लोगों को हुए लॉन्ग लास्टिंग डैमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा फोकस मेनली भाखड़ा डैम होगा, पर क्योंकि दोनों ही डैम साथ में यूज होते हैं, इन्हें जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। ये डैम्स ये तो थोड़ी दूरी पर लोकेटेड है, पर जनरली इन्हें एक साथ ही पुकारा जाता है। जबकि भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं ननगाल पंजाब में सुतलज के डाउनस्ट्रीम में ननगल टाउन के पास है। ये दोनों सुतलज पर ही हैं और करीब करीब एक ही मान लिए जाते हैं। सो भाखड़ा ननगाल डैम और भाखड़ा डैम रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स में से एक है। दोस्तों, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम वो डैम होते हैं जो कॉन्क्रीट और पत्थरों के बने होते हैं और पानी को केवल अपने ढांचे की वजह से और ग्रेविटेशनल पुल के कारण रोकते हैं। भाखड़ा डैम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के भाखड़ा गांव पर लोकेटेड है। इस डैम के कारण रुके हुए पानी से बहुत बड़ी जमीन अब सबमर्ज्ड यानी डूबी हुई है। ये डैम 226 मीटर ऊंचा है, जो एक मैसिव रिजर्वायर बनाता है। इस रिजर्वायर का नाम गोविंद सागर है, जो करीब 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करता है। इसका मतलब इंडियन रेलवेज के 50,000 लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर को हम यदि स्टैंडर्ड माने तो ये डैम ऐसे करीब 19 करोड़ कंटेनर्स भर सकता है। ये पानी पूरे चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्से, पंजाब और दिल्ली को ड्रेन करने के लिए काफ़ी है। गोविंद सागर 168 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब कि भाखड़ा डैम ने इतने इलाकों को सबमर्ज किया है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के मुताबिक ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा डैम है। पहला है मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर डैम, जिसकी कैपेसिटी 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भाखड़ा ननगाल डैम्स केवल साइज में मैसिव नहीं है, ये दोनों डैम्स मल्टीपर्पज़ डैम्स हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद रिवर वैली में शुरू हुए डेवलपमेंट स्कीम्स में से एक है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंस के पहले ही कंसीव किया गया था और प्रीलिमिनरी काम 1946 में ही शुरू हो गए थे। डैम का कंस्ट्रक्शन 1948 में शुरू हुआ और इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा में 18 नवंबर 1955 को कंक्रीट का पहला बकेट डाला। ये डैम 1963 में पूरा हुआ और कुछ स्टेजेस अर्ली 1970s में जाकर पूरी हुई। इनिशियली इस डैम का कंस्ट्रक्शन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने शुरू किया था, पर प्रोजेक्ट डिले हो गया और इंडिपेंडेंस के बाद दोबारा इसका काम शुरू हुआ। इसे हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इरिगेशन के पर्पस से बनाया गया था। इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन से मानसून फ्लड्स को रोकने का भी मोटिव था। ये इस एक्सपेक्टेशन पर खरा भी उतरा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक करीब 10 मिलियन एकर्स यानी करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पर इरिगेशन प्रोवाइड कराता है। फ्लड कंट्रोल के लिए 5 फ्लड गेट्स बनाए गए हैं। भाखड़ा डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में करीब 1325 मेगावाट कंट्रीब्यूट करता है। ननगाल डैम के पास 3 एडिशनल चैनल्स हैं जो कलेक्टिवली 290 मेगावाट कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन इन डैम्स के कारण जो लैंड आज पानी में डूबा हुआ है, उसमें सैकड़ों सीक्रेट्स डूबे हुए हैं। दोस्तों, इस डैम ने बहुत कुछ डुबाया है। यहाँ तक कि डैम के रिजर्वायर की तरफ 56 किलोमीटर दूर लोकेटेड एक पूरे शहर को भी नहीं बख्शा। 1800 में एक इंग्लिश एक्सप्लोरर विलियम मूरक्रॉफ्ट सुतलज के किनारे से निकल रहे थे, तो उन्होंने बिलासपुर को देखा।
यहाँ के राजा का महल, गार्डन, पिक्चर परफेक्ट लोकेशन देखकर वो हैरान थे। इस जगह पर मध्य प्रदेश के चंदेरी से आए रॉयल्स ने अपनी किंगडम स्टैब्लिश की। हिमाचल हिल्स में कहलूर नाम की इस किंगडम को कई सालों तक दूर से ही चलाया, लेकिन 1654 में राजा दीपचंद ने अपनी कैपिटल को यहाँ शिफ्ट कर लिया। ये जगह कभी भी एक बहुत बसा शहर नहीं रहा है और ना ही यहाँ की किंगडम बहुत वेल्दी रही है। ये सतलज नदी के बाएं किनारे पर नॉर्थ से साउथ की ओर फैली हुई है। 1931 के सेंसस के मुताबिक यहाँ 713 घर और करीब 2500 रेसिडेंट्स थे। 1975 में पब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश का गजेटर बताता है कि दीपचंद ने ये जगह कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से अपनी कैपिटल के रूप में चुनी थी। उन्हें ये एडवाइस चार फाकिरों ने दी थी, जिसमें से दो हिंदू और दो मुस्लिम थे। ये जगह पहले से ही एक वर्शिप की जगह थी, क्योंकि यहाँ व्यास गुफा मौजूद है, जो महाभारत के वक्त व्यास मुनि के रहने की जगह मानी जाती है। लेजेंड्स के मुताबिक व्यास मुनि व्यास गुफा में सर्दियां बिताते थे और रोहतांग पास के पास व्यास नदी के उद्गम स्थल यानी व्यास कुंड में गर्मियां। दीपचंद ने इसी के कारण अपनी कैपिटल का नाम व्यासपुर रखा, लेकिन वक्त के साथ नाम करप्ट हुआ और आज हम इसे बिलासपुर कहते हैं। यहाँ कई मंदिर भी मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक कुछ मंदिर तो 10th से 16th सेंचुरी के बीच बनाए गए और मोस्टली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड थे। ये शहर हमेशा सतलज नदी के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। 1762 के एक मैसिव फ्लड ने इस शहर को करीब करीब उजाड़ ही दिया था। 1803 में एक भूकंप ने भी भारी डैमेज किया था और बिलासपुर फिर से बह गया दोस्तों। लेकिन आज ये पूरा का पूरा शहर गायब हो चुका है। 1950s में भाखड़ा डैम के कंस्ट्रक्शन के वक्त यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर न्यू बिलासपुर टाउन में भेजा गया। शुरुआती प्लान के मुताबिक भाखड़ा डैम केवल 152 मीटर ऊंचा बनाना था, जिससे बिलासपुर पूरी तरह नहीं डूबता। लेकिन आखिरकार ये डिसाइड किया गया कि इस डैम को इतना ऊंचा बनाया जाए जितना सेफली पॉसिबल है। तो अब ये 226 मीटर ऊंचा है। इससे डैम के पीछे करीब 100 किलोमीटर तक गोविंद सागर बन गया और बिलासपुर पूरी तरह डूब गया। अब कभी कभार जब रिजर्वायर का पानी कम होता है तो कुछ एंशियंट टेम्पल्स नजर आते हैं। घर, महल, गार्डन एक्सेट्रा तो खत्म हो चुके हैं। ये एक घोस्ट टाउन के ऊपर लोकेटेड रिजर्वायर का सीक्रेट है। लेकिन केवल यही इशू नहीं है कि शहर और कई हैबिटेट डूबे हैं। इशू ये है कि अब तक यानी इस डैम के बनने से 60 साल बाद भी डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को लैंड ग्रांट्स की ओनरशिप नहीं मिली है। अब तक दोस्तों भाखड़ा डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण डिस्प्लेस हो चुकी फैमिलीज इस बात का वेट कर रही हैं कि कब सरकार उन्हें प्रॉमिस किए गए लैंड ग्रांट्स की ओनरशिप देगी। ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित सुधार समिति के प्रेसिडेंट नंदलाल शर्मा कहते हैं कि इस डैम ने करीब 11,777 फैमिलीज को अफेक्ट किया है, जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के करीब 205 गांव में रहती थीं। इनमें से कई ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ भाखड़ा डैम आउटसीज स्कीम ऑफ 1971 के अंडर प्रॉमिस किया गया लैंड ग्रांट नहीं मिला है। शर्मा कहते हैं कि 3,600 फैमिलीज को हरियाणा में जमीन देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन 740 फैमिलीज वापस लौट आई हैं क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिली। इनमें से कई फैमिलीज बिना टाइटल्स और पट्टे के फॉरेस्ट लैंड में रहने लगी और फार्मिंग करने लगी। ये फैमिलीज जंगल में रह रही थी और 2015 तक कोई मेजर इशू सामने नहीं आया। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी कि FRA 2006 के अकॉर्डेंस में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अप्रैल 6, 2015 को एक ऑर्डर दिया कि फॉरेस्ट लैंड में रहने वाले एंक्रोचर्स को निकाला जाए। ऐसे में अथॉरिटीज जो अब तक इन फैमिलीज को जंगल में रहने दे रही थी वो सक्रिय हो गई और नोटिसेस देना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई काट दी। उनके मुताबिक या तो फैमिलीज को इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई सबूत दिखाना था या फिर उन्हें निकाल दिया जाता। इन सभी दिक्कतों के लिए परेशान परिवारों ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। फैमिलीज के मुताबिक स्टेट ने रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया और फिर लैंड रेगुलराइजेशन पॉलिसी और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के कारण दूसरे क्राइटेरिया पैदा हुए और परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इस फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट्स को रेगुलराइज करने के लिए 2013 में एक स्पेशल पॉलिसी निकाली थी, लेकिन बहुत सारे क्लेम्स अब तक पेंडिंग ही पड़े हैं। अगस्त 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई और कहा कि 3 महीनों में भाखड़ा आउटसीज की दिक्कतों पर समाधान दिया जाए। फिर इस कमेटी को 3 और महीने दिए गए। हालांकि आज तक इन सभी स्टेप्स के बाद भी कोई ठोस सॉल्यूशन सामने नहीं आया है। दोस्तों डैम ने लाखों एकर्स को सींचा, हजारों घरों में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक बिजली पहुंचाई, पर जिस जगह डैम बना है वहीं पर हजारों लोग विस्थापित हुए
और आज तक परेशान है। आपके हिसाब से समस्या का समाधान कैसे निकाला जा सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।